नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों में लियाकत नवाज़ मलिक आज का तबसरा में हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे मेहमान शाहिद राष्ट्री साहब हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और कैनेडियन पॉलिटिक्स पे कुछ बातचीत होगी, हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया राष्ट्री साहब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम राष्ट्री साहब। ये दो तीन हफ्ते बड़े तलातुम खेज रहे पाकिस्तान की सियासत में। मियां नवाज शरीफ का वो बयानिया के मुझे क्यों निकाला, वो एकदम तब्दील हुआ और अब वो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। सवाल मेरा ये है कि वोट को इज्जत देने का मसला मियाँ साहब कह रहे हैं और 4.5 साल के अरसे में वो पार्लियामेंट में 6 दफ़ा गए, सेनेट में वो 1 दफ़ा भी नहीं गए। उसके बाद ये वोट की इज्जत है कि एक गैर अनइलेक्टेड बंदा जो वजीर खजाना बना है, जो ना सेनेट का मेंबर है और जो ना कौमी असम्बली का मेंबर है, उसने पाकिस्तान का बजट पेश किया, ये है वोट की इज्जत। आप क्या कहते हैं? ये आपका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि मियाँ साहब ने जो उनका बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, उससे उन्होंने स्विच ओवर करके कि जी वोट को इज्जत दो के ऊपर आ गए हैं। मेरे नज़दीक बेसिकली उसकी एक जो मेजर वजह है वो ये है कि पिछले तीन महीने से नैब के अदालत में जो उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, वो सारे एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं कि अब एक छोटे से और कॉमन आदमी को भी पाकिस्तान में ये पता लग गया है कि जी मियाँ साहब का जो पहला बयानिया था वो टोटल झूठ पे मबनी था और उन्होंने वाक्य ही को बहुत बड़ी करप्शन की है, और एटलीस्ट ये मनी ट्रेल जो है वो उसके साबित करने में नाकाम रहे हैं। अब मियाँ साहब के पास भी इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि उसी बयानिए को वो कायम नहीं रख सकते थे, और जैसे वो ख़ुद कहते हैं कि जब मैं नज़रियाती भी हो गया हूँ तो वो नज़रियाती अपने होने को भी अब उन्होंने अपने बयानिए को चेंज करके इस पे आ गए हैं। अब मेन सवाल ये आता है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इलेक्शन मोड में आ गया है। अब वो सारे के सारे इस सिलसिले में कि जो इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका एक ही नज़रिया है कि आगे हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है। क्या ये बयानिया उनका वोटर बाय करता है? दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। नहीं, एक वो बात ये भी कर रहे हैं कि क्या हुकूमत की रिट है कहीं पे? वो सूबाई हुकूमत से भी पूछ रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत से भी पूछ रहे हैं। हालांकि हुकूमतें उन्हीं की हैं, देखिए ना, मियाँ साहब ही गए हैं ना, उसके अलावा तो किसी को हाथ नहीं लगाया गया, हुकूमत भी उन्हीं की है। और मियाँ साहब की मीटिंग्स के बाद ही जो है अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो कोई बात जारी करते हैं। मियाँ साहब की मर्ज़ी के बग़ैर कोई पत्ता हिलता भी नहीं है। मियाँ साहब को वही प्रोटोकॉल मिल रहा है कोर्ट में जाते हुए जो एक प्राइम मिनिस्टर को मिलता है या प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा को मिलता है। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ का थोड़ा सा मेंटल बैलेंस जो है, उनकी जो एबिलिटी टू एनालाइज और थिंक है ना, मेरा ख्याल है एरोड करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक तो ये सवाल पूछना कि जी अपनी ही हुकूमत से वो एक टिकट में दो मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सेंटर में भी, पंजाब में भी और दूसरे प्रोविंसेस में भी, तीन और में भी हुकूमत में हैं, और वो उसके साथ ही एज एन ऑपोजिशन लीडर या एज एन ऑपोजिशन के भी मज़े लेना चाहते हैं, जो कि शायद अगर 3 महीने इलेक्शन में रह गए होते तो इनको काफ़ी फ़ायदा मंद हो जाता, लेकिन ये कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो लोगों को पता लग गया है अब अवाम को कि ये जो है ये एक हमारे साथ डुगडुगी बजाकर एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, वो आप राष्ट्रीय साहब वो देखें, जो बजट का गोरख धंधा हुआ,
एक ऐसा बजट जिसमें कदम कदम पे सवालात हैं। मुझे जब ये बजट दे रहे थे तो अपोजिशन पार्टियों ने ये कहा कि कम से कम 2-3 महीने का दें ताकि जो नई हुकूमत है उस पर प्रेशर ना आए, तो जब नई हुकूमत आ जाएगी तो वो देगी। बहरहाल वो दूसरी बात है। वली खान साहब ने एक दफ़ा ये सुनाया कि एक आदमी की गाय गुम गई, तो उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और कहा कि चलो जी हम गाय ढूंढते हैं। तो जब गाय ढूंढने वो निकले तो आगे एक दरगाह थी। उस दरगाह पे वो आदमी दुआ करता है कि अल्लाह ताला अगर मुझे गाय मिल जाए तो मैं यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे एक न्याज दूंगा। तो आगे चल पड़े, आगे गए तो एक और दरगाह आ गई, तो उसने आदमी ने दुआ की कि मैं यहाँ पे 300 रुपये दूंगा। करते करते वो 1,000 रुपया, उस वक्त 300-400 की गाय आती थी जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा यार मुझे भी तो थका रहा है, खुद भी थक रहा है, 1,000 रुपया तूने मांग दिया दरगाहों पे, 300 की तेरी गाय है। कहता है एक दफा गाय मिलने दो फिर मैं सबको देख लूंगा। तो ये मसला जो है इस वक्त ये है कि हर सियासतदान, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, या चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसे वादों के अंबार कर रहे हैं कि जो बेसिक जो लोगों की नेसेसिटीज़ हैं अभी तक वो पूरी नहीं हो सकी। क्या कहते हैं आप? पहले आपके बजट का जो सवाल था, दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें वजन है। ये कभी होता नहीं है कि जी 3 महीने का बजट या 4 महीने का बजट पेश कर दें, लेकिन जो भी हुकूमत जीत के आती है उनका प्रिविलेज होता है कि उसके बीच में ऑल्ट्रेशन बजट के बीच में कर लें अपने हिसाब से, अपने जो उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिसेस किए हुए हैं उसके हिसाब से। तो नॉर्मली इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बेहतर ही होता है कि एक बजट पूरे साल का पेश किया जाए जो कि ऑल्टरेबल हो जाता है, या जिसको आप ये कही आपने टर्म सुनी होगी कि एक मिनी बजट आ गया, ये हो गया, वो गया, इट कैन ऑलवेज, उसके बीच में अपना वजन है। और मेरे पर्सनल ख्याल से पेश साल का ही करना चाहिए। दूसरा बात जो है ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बीच में कॉन्सेप्ट नहीं है। आखिरी दफ़ा शायद मेरा ख्याल है भुट्टो साहब के ज़माने में ही हुआ था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है जिसको ये मंशूर कहते हैं, और मंशूर की ही बेसिस के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में वो मंशूर वाला जो एंगल है वो ख़त्म हो गया है, तकरीबन ख़त्म हो गया। पार्टियों का मंशूर तो है लेकिन वो मंशूर वो है जो उन्होंने अपनी पार्टी की फाउंडेशन के ऊपर बनाया था। बिल्कुल, लेकिन पार्टी के इलेक्शन के ऊपर जो अपना मैनिफेस्टो है उनका, वो तकरीबन रिवाज ख़त्म हो गया। उससे रिजल्ट ये हुआ है कि जो वोटर है वो मुख्तलिफ पार्टियों का मैनिफेस्टो कंपेयर नहीं कर सकता कि उसको किसको वोट दे के फ़ायदा होगा। वो जब जाता है वोट देने के लिए तो या वो पर्सनैलिटीज़ पर जाता है या वो उन लोगों पर जाता है जो उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि आप एनालाइज करके जाके वोट दें, जो कि दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, वो काफ़ी हद तक वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स आ गई है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे जैसे परिंदे एक दरख्त से उड़ के दूसरे दरख्त में जाते हैं और नज़रियात की बात ही कोई नहीं है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मुतलक मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब को हराने वाला बंदा कोई नहीं है। इमरान खान अगर एक जलसा करते हैं ना तो 3 दिन में वो जलसा कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी ब्लंडर से हारते हैं। अब इलेक्टेबल्स, अब कल परसों जो दोस्त बता रहे थे कि वो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे इलेक्टेबल्स चाहिए, और उनकी जो डेफिनेशन है ना इलेक्टेबल्स की, जी वो अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट ट्राइंग टू बैश हिम, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो है इलेक्टेबल की, वो जो है वो उस प्रॉपर डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। उनकी डेफिनेशन ये है कि हर वो आदमी जिसको इलेक्शन लड़ने की साइंस आती है वो इलेक्टेबल है। हालांकि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या किसी भी डेमोक्रेसी में, जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपका एक कैंपेन मैनेजर होता है,
یہ کیمپین مینیجر وہ ہوتا ہے جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتا ہے, یہ وہ مینیجر ہوتا ہے جس کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہے. بالکل, یہ پڑھا ہوتا ہے, اس نے ڈگریز لی ہوتی ہیں, اس نے ایکسپیرئنس لیا ہوتا ہے. وہ کینڈیڈیٹ کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اپنے نفس نے الیکشن وہ لڑتا ہے. اگر ان کی خان صاحب کی ڈیفینیشن سے آپ دیکھ لیں تو جتنے کیمپین مینیجرز ہیں ان کو جا کے وہ الیکشن لڑنے چاہیے رادر دین ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو. سو آئی ڈو ناٹ بائی ہز یہ کہ وہ چونکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر انہوں نے جمع کر لیا ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے, یا وہ اس وقت سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی پیز ہیں, تو ان کو ایک ڈیفینیشن دینے کے لیے, ان کو کور کرنے کے لیے, ان کو اپنی وہ چھڑوانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیفینیشن بنا لی ہے کہ جی جس کو سائنس آتی ہو. سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بیچ میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے نظریات کے ساتھ, آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ چلتے ہیں, وہی ہمیشہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم میں رہتے بھی ہیں اور ان کے جیتنے کے چانسز بھی زیادہ. یہ بھی چودھری نثار صاحب کے متعلق بھی بعض اخبارات میں یہ آیا کہ چودھری نثار صاحب بھی تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے, اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ان کے دوست ہیں اور وہ بڑے سخت انہوں نے مسلم لیگ کی جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے متعلق باتیں کی ہیں, تو عمران خان صاحب نے بھی ان کو دعوت دی ہے. یہ ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس مسئلے پہ بھی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد شاہد راشدی صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ پھر شروع کریں گے. شکریہ. ناظرین بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے, ایک مرتبہ پھر شاہد راشدی صاحب کے ساتھ. جی راشدی صاحب, بات کر رہے تھے چودھری نثار کی. چودھری نثار جو ہیں وہ مسلم لیگ میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پرانے ہیں, یہ جب سے مسلم لیگ بنی, میں جنرل ضیاء کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, محمد خان 84-82-83 وہ مختلف عہدوں پہ رہے, وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے, وزیر داخلہ بھی رہے, پانی بجلی بھی شاید رہے یا اس طرح کچھ تھا. اب اگر ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیں, لیکن چودھری نثار صاحب اب وزارت کے پائیدان سے تھوڑا اوپر جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں میری ذاتی جو رائے ہے یا میرا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس وقت جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس کا وعدہ کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کی پارٹی کو, تو ہو سکتا ہے وہ آ جائیں, ورنہ ان کی تحریک انصاف میں آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو چودھری نثار کے پولیٹیکل کیریئر پہ نظر ڈالتے ہوئے کہ 84-85 سے جب سے بھی وہ الیکشن لڑنا شروع ہوئے ہیں وہ کوئی الیکشن ہارے نہیں ہیں, کوئی اگر دو یا تین میں لڑے ہیں کوئی ایک آدھا ہار گئے تو ہار گئے, لیکن وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں 84-85 سے آل اراؤنڈ, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے ایسی جس میں وہ نہ آئے ہوں. ایک تو وہ ان کا اپنا پرانا حلقہ ہے چکری والا جو ہے, ایک تو وہ وہاں سے جیتتے رہے ہیں, اور میرا خیال ایک وہ دوسرا حلقہ جو آپ کا ٹیکسلا والا ہے, واہ اینڈ ٹیکسلا والا, جس میں کہ کسی زمانے میں چودھری غلام سرور تھا شاید, میرا خیال پیپلز پارٹی کے زمانے میں چودھری غلام سرور کا وہ حلقہ ہوا کرتا تھا, وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے تھے, ایم پی اے کا الیکشن لڑتے تھے. تو یہ ان کی یہ تو بالکل کہیں بھی دیر بیونڈ اینی ڈاؤٹ کے چودھری نثار کا بیسک اپنا پولیٹیکل بیس ہے, اور وہ پولیٹیکل بیس جو ہے وہ ان کے اپنے خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنے حلقے کے میں کام وام بھی کافی کیے ہوئے ہیں, دو چار بہت بڑے پروجیکٹ انہوں نے وہاں پر کمپلیٹ کیے, ایک وہ میرا خیال وہ چکری برج کا تھا جو کہ چکری روڈ اور ان کے دوسری اکراس دی ریور ملاتا ہے. تو یہ بات آپ کے سوال کی پہ آتے ہوئے کہ کیا چودھری نثار, دو سوال ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا چودھری نثار پی ٹی آئی میں آ جائیں گے,
और अगर आएंगे तो किन टर्म्स के ऊपर आएंगे। मुझे दोनों ही चीज़ें जो हैं, क्योंकि शहीद निसार बहुत जीरक एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, उसके लिए आई थिंक ये पढ़ना को मुश्किल नहीं है कि हाउस ऑफ शरीफ जो है उसका पॉलिटिकल कैरियर तकरीबन इख्तिताम पे हो रहा है, चाहे आप मियां नवाज शरीफ उसमें देख लें, चाहे आप उसके बीच में मियां शहबाज शरीफ देख लें। जो अगली जनरेशन के उनके बच्चे हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर टेक ऑफ करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर ये सिचुएशन बनती है पीएमएलएन में तो फिर चौधरी निसार के लिए ये पर्सनल डिज़ास्टर होगा कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल वेल्थ को छोड़ के वो क्या कहते हैं पीटीआई में सेकंड टीयर के लीडर हो जाएं, क्योंकि इमरान तो ऑब्वियसली ही इज़ अ फर्स्ट ईयर लीडर और जो वहाँ पर अपने पिछले 12-13 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, चौधरी निसार के लिए वहाँ पर इतनी जगह नहीं होगी। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि चौधरी निसार रहेंगे पीएमएलएन में, इंतज़ार करेंगे कि जी किस वक्त उनको वो राइट अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि डोंट फॉरगेट एक बहुत बड़ा जो प्लस फैक्टर है चौधरी निसार का, उसको आप ना भूलिए, वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है वो उसको किसी वक्त किसी जगह भी लॉन्च कर सकती है। ही इज़ नॉट अलोन देयर। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो अकेला नहीं है, जो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है नॉन एस्टेब्लिशमेंट वो उसको किसी वक्त भी लॉन्च कर सकती है। उसके लिए मेरे आपके लिए या किसी और पॉलिटिशियन के लिए ये शायद हो कि ही मिस द बस, जो निसार के लिए मिसिंग द बस कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना जी, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात जब की है तो ये जो जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग के लोगों ने एक अलहदा महाज बना लिया है ग्रुप है सरायकी सूबे के लिए, और वो मैं समझता हूँ कि 25-30 MNAs जो हैं उनके वो उस बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सिंध में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक है कि जी वो पीपल्स पार्टी को कोई छेड़ देगा, पीपल्स पार्टी को छेड़ने में बड़ा टाइम लगेगा सिंध में। अब पीपल्स पार्टी जो है ये 5 या 7 या 10 या 15 सीटें जो हैं पंजाब में से भी ले सकती है, और महाज भी अपनी सीटें लेगा उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है। तो ये क्या जो इलेक्शन जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ है कि एक आज़ाद बंदे को कहा कि जी मैं ये मैं वज़ीर आज़म, क्योंकि बिलावल तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ये तो सीधी सी बात है, 30 साल का बिलावल हैं और जो 35 साल का हमें वज़ीर आज़म चाहिए। तो क्या ये फिर वही एक रीप्ले तो नहीं होगा जिस तरह सेनेट में इलेक्शन में हुआ और संजरानी साहब आ गए? अगर आपको याद हो 2-3 प्रोग्राम्स पहले मैंने अर्ज किया था, इसके एक एनालिसिस दिया था, एंड आई स्टिल स्टिक टू इट। ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि पंजाब के बीच में अगर पीपल्स पार्टी नहीं लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है उसका इमेज पीएमएलएन और इमरान खान की पार्टी की बने इतना गंदा और इतना ख़राब कर दिया है कि अगर कोई आना भी चाहता है पीपल्स पार्टी में तो वो इस नाम की वजह से नहीं आता। बिल्कुल, दिस इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, कोई माने या ना माने। उस सिचुएशन के बीच में और आसिफ अली जरदारी मेरे ख्याल है उसको भी, वो बहुत अकलमंद आदमी है, उसको पता है कि ये ग्राउंड रियलिटी है। वो उन्होंने थोड़े अरसे के लिए बिलावल भुट्टो को पुश किया, उन्होंने देखा वाटर टेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, ये ना हो कि ये हमारा कार्ड ख़राब हो जाए। उन्होंने जस्ट गॉट हिम बैक, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आसिफ बिलावल भुट्टो। तो अंडर द सर्कमस्टांसिस बेस्ट स्ट्रेटजी जो थी पीपल्स पार्टी के लिए या आसिफ अली जरदारी के लिए यही थी कि लोग तो आने में और उसके साथ एसोसिएट करने में तैयार नहीं है, इस किस्म का ग्रुप बनाया जाए साउथ पंजाब में जो कि बन गया है। ऐसा ही आप एक ग्रुप देखोगे कि पख्तूनख्वा में बनेगा, ऐसा ही एक छोटा सा ग्रुप बनेगा फाटा के बीच में, और ये ग्रुप्स जो हैं कंट्रोल होंगे फॉर अ बिगर पॉलिटिकल लैंडस्केप जो कि इन फेवर ऑफ और लेट्स नॉट से इन फेवर अगेंस्ट द पीएमएलएन यूज हो। बिल्कुल,
तो ये बन यही रहा है। अगर तो पीपल पार्टी का नाम या आसिफ अली जरदारी का नाम थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता तो शायद ये ग्रुप्स ना बनते, शेयर हो रहा होता बिटवीन पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी। तो लेकिन ये क्या ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इस खेल में शामिल है? सर देखिए बात सुने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बीच में एस्टेब्लिशमेंट अगर डायरेक्टली नहीं होती तो इनडायरेक्ट तो उनका इंटरेस्ट है ना। द बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान विद गन्स एंड एमुनिशन इज द पाकिस्तान आर्मी। तो वो तो पोलिटिकल इंटरेस्ट तो उनका है, वेरी राइटली सो। तो और उन्होंने अपना पोलिटिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड भी करना है, तो वो तो है। ये आप ये तो आंखें बंद करने वाली बात है ना कहना कि नहीं है। लेकिन उसका प्लस साइड ये है, अच्छी साइड ये है कि उन्होंने डायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट बंद कर दिया है। मेरे हम फतनों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने बरी कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड इंटरनेशनली भी और लोकली भी। अब वहाँ के जो लोकल हालात हैं उनके मुताबिक उनको इस किस्म की चीज़ों में हिस्सा देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। और ये है ये जो शेख रशीद का जो केस है, जो कहते हैं कि उन्होंने कुछ छुपाया है अपने पेपर्स में, जो डिक्लेरेशन पेपर्स थे इलेक्शन के लिए, उस पर एक फैसला भी महफूज किया हुआ है नैब ने, तो वो क्या ये मतलब इसी तरह ही होगा? जो लेकिन सादिक और अमीन कौन है पाकिस्तान में? देखिए मतलब है एक ऐसा मुआशरा जिसमें पाकिस्तान में झूठ पे मबनी सारी चीज़ें होती रही हैं। आप अगर बात करते हैं, चलें बात कर लेते हैं जनाब के सादिक और अमीन, क्या आप सादिक और अमीन हैं? जब एक जर्नल जो आता है उसको कहता है वो, आप उससे कहते हैं कि जब कितना अरसा बरसे इकतदार रहेंगे, नज़रिया ज़रूरत के तहत ले आते हैं, वो कहता है मैं 2 साल रहूँगा, उन्होंने कहा आपको 3 साल देते हैं और आप आईने पाकिस्तान में तरमीम भी कर सकते हैं। ये तो जुडिशरी क्या बात कर रहा हूं? मैं वही बात कर रहा हूँ। तो सर ये सिर्फ सियासतदानों पे ना आप आए ना। नहीं देखिए ये मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू 100% कि हमारी जुडिशरी की हिस्ट्री जो है कोई इतनी मायानाज नहीं रही हुई है कि आप वो करें। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो उस वक्त के हालात हैं, आज के जो हालात हैं उसके बीच में ये हो रहा है। आज जब बहुत आप भी एक स्टूडेंट राष्ट्रीय साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कम अज कम आप जो आपने माजी में किया, जो माजी में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, आप उस पर माफी मांगे। वो तो देखे ना जी, वो इन्होंने इतनी मॉरल करेज नहीं है जुडिशरी में या किसी में भी। अगर माफी मांगने शुरू कर दें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिस पर माफी तो मैं कह रहा हूँ। नजरिया जरूरत का केस है, मौलवी तमीजुद्दीन का केस है, असगर खान वाला केस है, कुछ कौन से केसेस के आप, लेकिन इतना तो मॉरल करेज नहीं है। हमें सादिक और अमीन जो है सिर्फ सियासतदानों पर ना रखें, फिर सब पे जाएं आप। वो तो है लेकिन वो अब आपकी इसी बात से बात निकलती है कि सादिक और अमीन का जो सिलसिला है अब चला है ना, ये बहुत दूर तक जाएगा। मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि तकरीबन मोर देन 110-115 मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनके पास अकामे हैं और इस किस्म की सिचुएशन में हैं वो फंसे हुए, और वो जिस वक्त चैलेंज हो गए तो वो पुराने हिसाब खातों में भी और बिल्कुल नए में भी अगर डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो दे आर इन अ प्रॉब्लम। राशिद साहब एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। okay. थोड़ा सा मामला गर्म हो गया था। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद राशिद साहब के साथ फिर बातचीत शुरू करेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने का शुक्रिया एक मरतबा फिर शाहिद राशिद साहब के साथ। राशिद साहब, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेट्स, इवन आर्मी जनरल्स, एंड यू नो बेटर देन आई डू, यहाँ पे जायदादें लेके यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं, उन पे क्यों नहीं आते? सिर्फ सियासतदान ही जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट है कि आप सियासतदान को अगर गाली देंगे या सियासतदान को बात करेंगे तो आपको तारीफों के डोंगरे बरसेंगे,
और किसी और से बात करेंगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हैं आप? जिसकी लाठी उसका भैंस, तो है ना, ये सारी दुनिया में असूल है, वहाँ पर भी चल रहा है। नॉट दैट आई एम डिफेंडिंग कि ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, नहीं वो, है वो आपने लाठी भैंस कही, वो अनवर मसूद साहब ने कहा था कि तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, और इस लाठी की जद में जो भी आएगा हमारा है, मजम्मत कारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। एग्जैक्टली वही बात तो वही आ गई जी ना जी जी, ये होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर बात यह है कि जैसे किसी जगह मैंने सुना कि उन्होंने कहा जी कुछ तो हो रहा है ना, कहीं तो शुरुआत हुई है ना, कहीं कहीं समबडी वाज गिविंग कि जी कम से कम दो जनरल तो पिछले दिनों में उन्होंने ECL में डाले हैं, एंड वेरी सीनियर जनरल्स के सबक का SI का चीफ वगैरह, और रेलवे के केस के बीच में शुरू तो हुआ है ना, लेट सी कि कॉम्प्रोमाइज ना कहीं हो जाए, कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। वरना बात यह है कि यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्या सिर्फ उस मुल्क के बीच में चोर और उचक्के और डाकू जो हैं वो सियासतदान ही हैं और कोई नहीं है? वहाँ तो एक आप ईंट उठाएं तो क्या कहते हैं, इस किस्म कौन है जो वहाँ पर सीधा काम करता है? कोई भी नहीं करता है। लेकिन यह है कि शायद ये शुरुआत हुई है, शायद ठीक हो जाए, जो लगता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज से 4 साल पहले या 3.5-4 साल पहले थी जब इफ्तखार मोहम्मद चौधरी साहब ने शुरू किया था। तो हर अक्सर बेशतर पाकिस्तान के लोग कहते थे वाजी वाह क्या हो गया, ये हो गया, बाद में निकला क्या उसका? मतलब एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान कह रहा है कि जी मेरे घर के मेरे ड्राइववे के बीच में 5 BMWs खड़ी हैं, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हुई ये कहाँ से आई हैं। सो ये तो अगर इस किस्म की चीज़ें चलनी हैं तो फिर वही आप वाली बात है कि जी क्या सिर्फ सियासतदानों को पकड़ना है? नहीं तो ये अकामे जो हैं, क्या अकामे सिर्फ मियां नवाज शरीफ का आपके पास था या ख्वाजा आसिफ साहब के पास था? तकरीबन 110 से 115, जो मैंने उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, 110 से 115 कामे हैं मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ रीज़न से। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ टेक्निकली गलत है, वो ये है कि आपने इनको छुपाया क्यों? आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया जी? डिक्लेयर क्यों नहीं? क्योंकि इनकम तो है ना, क्योंकि अकामा तो उस वक्त तक आपको नहीं मिल सकता जब तक कि आपकी इनकम नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये ऐसा इकबाल साहब ये कहते हैं कि मेरा कामा ऐसा नहीं है। वो तो जब कोर्ट में आएगा तो पता लगेगा ना। वो कह रहे हैं ना, उन्होंने कल कहा है कि मेरा कामा ऐसा नहीं है, इसमें जो है ना मैं नहीं हो सकता, ये देखिए मेरा तो इज्जत का वो मतलब उन्होंने जो खिदमत है मस्जिद नबी की या समथिंग उस किस्म का कामा है उनके पास, उसमें उनकी पे का कोई तलक नहीं है। चलिए हो सकता है कि जी सऊदी अरेबिया में उस किस्म का एक अकामा हो जिसमें वो कहते हों कि जी मैं साल में 15 दिन 2 महीने या इतने महीने आके वॉलंटियर करूँगा मस्जिद नबी में या खाना काबा में, तो आप मुझे फैसिलिटेट कर दें। हो सकता है वहाँ हो, आई हैव नो नॉलेज। लेकिन जो अबू धाबी में है या कोई दूसरे मुल्क हैं उनमें तो अकामे कोई नहीं है ऐसे। अब अबू धाबी में क्या जाके उन्होंने किसकी खिदमत करनी है? शेखों की करनी है ना, और तो किसी की नहीं करनी। हो सकता है, लेकिन ये है, कहने का मकसद ये है कि ये एक पेंडोरा बॉक्स खुला है। देखिए शरजील मेमन के पास भी तो कामा था ना, मैंने सुना है कि इसके पास भी है, क्या कहते हैं? नहीं तो शरजील मेमन को अभी तक उन्होंने देखे ना, केस उन्होंने फंसाया हुआ है, लेकिन उसको नाहल तो करें ना पहले। वही शरजील मेमन का है ना, मुझे पता ये है, लगा है कि पता नहीं गलत है सही है, मुराद अली शाह के पास भी है। मुराद अली शाह जो थे उनके वो कैनेडियन सिटीजन थे, वो तो मैंने उनकी मदद की थी यहाँ पर, क्या कहते हैं उनकी रिवोक करवाने के लिए कैनेडियन सिटीजनशिप जब इनको इलेक्शन आई हेल्प मुझे नहीं के उनके नहीं, पास उसके है उसके पास वो भी है, मेरा सुना है। अच्छा हाँ जी है, इसीलिए आपने नोट किया कि पीपल्स पार्टी की कोई इसके ऊपर जो है वर्डिक्ट के ऊपर बहुत ल्यूक वॉर्म सा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का जो था ना वो काम, वो तो टोटली आंखों में धूल झोंकने वाला था। 16 लाख रुपया महीना उसको उस कंपनी से तनख्वाह मिल रही थी, और मिल रही थी कि जी वो लीगल एडवाइज़र था। ख्वाजा आसिफ ने पूरी ज़िंदगी में 6 से ज़्यादा केस नहीं लड़े होंगे, शायद 6 भी नहीं लड़े हों, क्योंकि वो सारी उम्र बैंकर रहा है ना। UBL से उसने अपना कैरियर शुरू किया, UBL से उठा के चेक अबू धाबी चला गया BCCI में। BCCI में प्रॉबली उसने मदद शदद की थी ये शरीफों की, जब वो
अपनी ये स्टील मिल वगैरह वहाँ बना रहे थे, वहाँ से इसकी दोस्ती शुरू हुई। अभी ये बीसीसीआई में था ही, काम नौकरी कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने इसको सेनेटर बनवा दिया। सेनेटर मतलब वहाँ से अबू धाबी से लैंड किया है कि इस्लामाबाद में, तो ये सेनेटर था। सेनेटर बन के फिर इसने सियालकोट के लिए से इलेक्शन लड़वाना शुरू किया। तो लॉ का प्रोफेशन या लॉ का इसकी बैकग्राउंड, LLB इसने ज़रूर किया हुआ है, लेकिन क्या उसने कभी दो केस भी लड़े हैं? ये शायद मेरे ख्याल नहीं, कभी भी नहीं लड़े उसने। नहीं, लेकिन अब इलेक्शन की कंपेन तो अब मैं समझता हूँ शुरू हो चुकी है। PTI ने भी एक लाहौर में बड़ा जलसा जो है, बहुत बड़ा जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में जो गढ़ था MQM का, वहाँ पे जलसा किया। वली खान की पार्टी भी जलसे कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना फजल रहमान का भी जलसा। तो एक माहौल बन गया, माहौल बन गया है। लेकिन बाद हलकों की जो बात है उन पे तनकीद हो रही है, इलेक्शन कमीशन में लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारे हलकों से कुछ इलाके निकाल के दूसरे हलके में डाल दिए गए हैं, और पिछले दिनों काफ़ी फैसले भी हुए जी। तो इसमें क्या ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए? मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स जो है पाकिस्तान के, वो तो समझते हैं कि शायद इलेक्शन आगे नहीं होंगे, वक्त के ऊपर होंगे। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा एक ऐसे हैं नंबर जो समझते हैं कि शायद टेक्निकली ऐसी सिचुएशन में आ गए हुए हैं कि वक्त पे ना हो सकें। मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर डिले हुए भी तो प्रॉब्ली 2-3 हफ्ते की बात होगी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी उनको भी कवर लेना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तो इस तारीख को हो जाने हैं। अगर नहीं होते हैं किसी वजह से तो दे हैव टू गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट के, जी इस वजह से नहीं हो रहे हैं, हमें 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का डिले हो जाना चाहिए। अगर हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते होगा। ये नहीं हो सकता 4 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, नो नहीं। लेकिन वो जो निगरान हुकूमत के जो लीडर अपोजिशन और वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, अभी तक तो कोई नाम भी नहीं आया। डिस्कशंस हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बैकग्राउंड में डिस्कशंस हो रही हैं, और वो यही कहा जा रहा है कि जनाब एक दफ़ा अगर निगरान आ जाते हैं तो फिर निगरान हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो मर्जी है कि या कुछ इस तरह है कि थोड़ा सा इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। तो अर्ज ये है कि जिन्होंने जो आजकल के सिनेरियो में जो शॉर्ट्स कॉल कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ ने कह दिया है कि जी नहीं, इलेक्शंस वक्त पे होंगे, ये डिले नहीं होंगे। जुडिशल नहीं जी, ये तो मैं अब कहने को तो जनरल ज़िया ने भी कहा था कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, और वो होली लैंड में खड़े हो गए, 11 साल से रह गया था। हाँ। वो मैं उन चीज़ों नहीं, नहीं हो, मेरा नहीं ख्याल, मेरी ओपिनियन है कि नहीं हो, क्योंकि मियाँ साहब का जो फैसला आना है जी, और मियाँ साहब का अगर फैसला आ जाता है उसमें देखें, मियाँ साहब ने इस पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल तक हुकूमत की है। हाँ। जी हुकूमत की है, मियाँ साहब को आप डिस्कार्ड इस तरह नहीं कर सकते। नो नो, ही इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन, और मियाँ साहब के अपना देखें, कोई माने या ना माने, ये जो मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग 7-8 जो काउंसिल मुस्लिम लीग थी, ये 7-8 सीटों की पार्टी थी। मियाँ मोहम्मद खान दुल्ताना, सरदार शौकत हयात, ये वो जो 5-7 आदमी जो है जीत जाते थे इलेक्शन। जो मेन स्ट्रीम में लाने वाला है मुस्लिम लीग को, वो मियां नवाज शरीफ है। हाँ, पिछले 20-25 साल में लाने वाला तो नवाज शरीफ है, ठीक है ना। और वोट बैंक भी जो है वो मियां नवाज शरीफ का है, वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, किसी और का नहीं है। तो मियाँ साहब के खिलाफ अगर फैसला आता है तो मियाँ साहब जो हैं वो, आप उनको एकदम ऐसी नहीं कि मियाँ साहब ख़त्म हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अब लोगों में शऊर भी है,
लोग देख भी रहे हैं, या तो अक्रॉस द बोर्ड आप करें, नहीं तो सिर्फ मियां साहब को अगर सजा देना मकसूद है तो ये काम चलेगा नहीं। नहीं, नहीं बात यह बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पीपल्स पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में 32-34 साल लगे, MQM को यहाँ तक पहुँचाने में 10 साल लगे, तो मियां नवाज शरीफ की सीटें तो इन दोनों से ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा हैं जी जी, तो उसको एक जगह पे या नीचे लाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। लगेगा बिल्कुल, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। वो तो टूटे टूटे टूटते ही टूटेंगे, लेकिन सिर्फ एक मेरा ख्याल, अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैं सोचूं कि ये क्या है, तो दी ओनली पॉजिटिविटी जो मुझे इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है कि मियाँ साहब की पावर बेस जो है वो पंजाब है, और पंजाब हिस्टोरिकली टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। वो मतलब नासरबाग से ले के तो भंगियों की तोप तक उनका नारा बदल जाता है, अगर आपको याद हो। वो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना किस तरह मंजूर भट्टू के साथ एकदम नहीं वो बड़ा नहीं, यूनियनिस्ट जब पाकिस्तान बना, यूनियनिस्ट ओवरनाइट क्या कहते हैं, सर कहते हैं कि पंजाब के 3000 सियासतदान हैं जी, 3000 जो पाकिस्तान की हर पार्टी में रहे हैं। ये वो बहुत मशहूर लतीफ़ा है कि नासर बाग से जुलूस निकला, अच्छा। तो वो नारे लगा रहा था कि खिजर हयात गदार है, ये है वो, खिजर हयात के खिलाफ यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी का। और रास्ते के बीच में किसी ने कहा कि नहीं ये हो गया, उधर हुकूमत चेंज हो गई है, तो इसको इस तरह, तो फिर नारा, अब भंगियों की तोप तक आने के लिए, टोलंटन मार्केट तक आने तक नारा बदल गया कि अभी खबर आई है खिजर हयात भाई है। तो ये पंजाबियों की, या आई एम सो सॉरी, आई डोंट मीन टू रिडिक्यूल, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स की ये एक खासियत रही है कि वो यूं करके बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी बदले हैं काफ़ी होता रहता पानी में, उनकी पानी में ये खसूसियत। बहरहाल फिर ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहने का शुक्रिया, एक मरतबा फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद शाहिद राशिद साहब के साथ फिर बातचीत करते हैं, शुक्रिया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर शाहिद राशिद साहब के साथ। राशिद साहब, अब पाकिस्तान से हम आते हैं कनाडा की तरफ, अपने मुल्क में। जी जी, अब यहाँ पे भी सूबाई सतह पे इलेक्शन की आमद आमद है, और जून में इलेक्शन जो है मुतवक्के हैं, मुतवक्के हैं फॉर श्योर, इलेक्शन जो हैं जून में होंगे। इस वक्त डग फोर्ड जो हैं वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बन चुके हैं, और डग फोर्ड की जो लेगेसी है वो राफ फोर्ड से आती है जी, फोर्ड फैमिली, फोर्ड फैमिली। और राफ फोर्ड जो है बेसिकली वो मेयर थे टोरंटो के, और बड़ा डाउन टू अर्थ, और बड़ी कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। बहरहाल उसके बाद जो पार्टी है हकूमत की वो लिबरल पार्टी, उसके अलावा एनडीपी, तीन पार्टियां जो हैं मेन पार्टीज जो है इलेक्शन में से लेंगी। और हमारे कई पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त ब्रैम्पटन से, सरफराज साहब गालबन नाम है उनका, सफदर साहब जी जी, और मिसिसागा से अपने इमरान मियां साहब हैं, अपना स्कारब्रो से हैं, पिकरिंग से हैं इब्राहिम दानियार, तो ये मदर शफीक साहब स्कारब्रो से। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, उसके बाद ये दो पार्टियां जो हैं, कभी एनडीपी जो है नंबर टू पे चली जाती है, कभी लिबरल पार्टी नंबर टू पे चली जाती है, तो एक तजिया, क्योंकि आप इन्वॉल्व रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, कनाडा की पॉलिटिक्स में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? एक तो सबसे पहले ये बड़ी खुशाइंद चीज़ तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, तकरीबन हर पार्टी में बहुत ही एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। जी जी, दैट इज़ वो
वेरी हार्डनिंग टू सी दैट. और प्रॉबेबली ये पहली दफ़ा है कि इतने बहुत सारे इन नंबर पाकिस्तानी कैनेडियंस, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो हैं वो नॉमिनेशंस जीत कर, अपॉइंट नहीं हुए, जीत के जीत के, दैट्स अ ग्रेट थिंग. और वो ये शो करते, मैं सर इस इधर रोकूंगा, इधर इधर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा. आपने जब ये कहा ना कि लेकिन एक हल्का ऐसा था, अब शफकत अली साहब जिन्होंने बहुत काम किया, लिबरल पार्टी की मेंबरशिप की, सब कुछ की, लेकिन एकदम मैं समझता हूँ कि इस्तेकाक बनता है लीडर का कि वो किसी को खुद अपॉइंट कर दे, तो पैराशूट के ज़रिए उन्होंने एक कैंडिडेट को, कम से कम उस हल्के के लोगों से तो कम से कम पूछा जाता. मैं सब इसमें आई वुड डिसएग्री विद यू इन अ वे कि आप पार्टी के को काम करने को क्या क्या, हाउ डू यू डिफाइन दैट, कि मैं अगर कहूँ कि मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, हाउ डू आई डिफाइन इट? वो मेंबरशिप कर रहे ना, मेंबरशिप किस लिए बनाई है? या तो मैंने मेंबरशिप पिछले 10 साल में बनाई हो कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा लिबरल हूँ तो मैंने बना दी है. लेकिन अगर मैं मेंबरशिप इसलिए बना रहा हूँ कि इनको मैंने लेके आना है घर से मुझे वोट देने के लिए, तो फिर आपका वो इस्तेकाक नहीं बनता है, क्योंकि आप अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं, पर्सनल इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हो. अच्छा. आपको यू कैन नॉट बी गिवन दैट कि जी हाँ बहुत काम किया, या मैं आपके इलेक्शन के बीच में जाके जितवाता, जो आपको जितवाने के लिए आपके इलेक्शन के बीच में मैंने आपके पैम्फलेट बांटता हूँ, आपके साथ कैंपेन करता हूँ, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ. येस, इनडायरेक्टली पार्टी के लिए. पार्टी की मदद उस वक्त होती है कि आप कंसिस्टेंटली पार्टी के मेम्बर हों, आप कंसिस्टेंटली पार्टी को डोनेट करते हों, आप कंसिस्टेंटली पार्टी के लिए फंड रेज करते हों, जबकि पार्टी इलेक्शन मोड में ना भी हो, तो उस वक्त तो मैं मानने को तैयार हूँ कि आपने बहुत सारा काम किया हुआ है. लेकिन अगर मैं 2000 मेंबरशिप बनाता हूँ 5-10 साल के बाद, क्योंकि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू दैट क्रेडिट कि जी आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया हुआ है. कमिंग ऑन टू दिस, उस बात से करते हुए, येस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस जो है मिसेस आगर सेंटर में निगेट किया गया है, निगेट हुआ है. ये नहीं होना चाहिए था, पार्टी को नहीं करना चाहिए था. आई हैव कन्वेड इट पर्सनली, मैंने उनको कन्वे किया है, और मैं पर्सनली इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है ये हो. लेकिन क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? क्या ये बाद इसके बाद कभी भी नहीं होगा? ये होता रहा है, ये होगा भी. और ये कहना बहुत बड़ी नामुनासिब और बड़ा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि ये हम पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को कोई जिच पहुँचाने के लिए या दुख देने के लिए किया गया. नहीं, नहीं, ये बात तो मैं, ये नहीं मैं इसलिए ये बात की है कि ये स्ट्रीट्स के ऊपर और छोटी मोटी अपनी पर्सनल मीटिंग में ये बात हुई है, विच आई डू नॉट, ये बातें करके आप अपने पाकिस्तानी जो हैं हमारे यहाँ पर रहते हैं कैनेडियन से पाकिस्तानी ओरिजिन, आप उनकी फ्यूचर के लिए आप ज्यादती कर रहे हैं. मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो आगे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके ऊपर ये लेबल लग जाएगा कि यार ये जब हार जाए या ये पार्टी के डिसिप्लिन के साथ नहीं चल सकते. दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू. आप एक मैरिट के ऊपर हर चीज़ को करें. कमिंग बैक ऑन कि ये क्यों हुआ है, पार्टी की अपनी, हर पार्टी की अपनी एक डायनेमिक्स है. वो अपने पोल्स करवाते हैं, वो अपनी सिचुएशन देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है हमारे लिए जीत सकता है सीट. ठीक है, इस केस के बीच में उनके ख्याल में जो पीसी पार्टी की कैंडिडेट जीत के आई थी उसको काउंटर करने के लिए एक सर्टन कैंडिडेट है खातून जिसको के उन्होंने नॉमिनेट किया है, ये जीत जाएगी. और उसके लिए एक उनका अपना डायनामिक्स है, उसके डायनामिक्स के हिसाब से उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा. मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट सेइंग विद के लिया है उन्होंने, प्रॉबेबली उन्होंने उस कानून के तहत लिया हो. हाँ, ये चीज़ है कि जी आपने ये, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब आप जाते हो मेम्बरशिप फॉर्म्स लेने वगैरह, आपको वो कह देते हैं कि जनाब इट इज़ नॉट योर राइट, आप बनवाएं मेंबरशिप, लेकिन अगर लीडर चाहेगा
तो वो अपॉइंट भी कर सकता है। बहरहाल वो जो दूसरा सवाल था जी कि जो इलेक्शन की जो कंजर्वेटिव पार्टी या उसके पोल्स जो हैं, पोल्स में वो बहुत आगे है जी, तो एक तजिया कार की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि ये पोल्स जो हैं ये नहीं। देखिए आज तक मैंने जो पिछले 20 साल में यहाँ पर इस मुल्क में हूँ, बहुत कभी मैंने मुझे तो नज़र नहीं आया कि पोल्स जो आए हुए हों और जब आप उनको ट्रांसलेट करें इन इलेक्शन रिजल्ट को बहुत बड़ा फ़र्क हो। पोल्स बिल्कुल सही होते हैं, ठीक होते हैं। बात अब आ गई है कि जी इतने पोल्स जो आ रहे हैं क्या अभी जो बाकी 38 दिन 36 दिन जो इलेक्शन में है, मे बी मोर, क्या ये सस्टेन कर लेंगे पीसी पार्टी वाले इसको, अपनी लीड को? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप 4 साल पहले इसी इलेक्शन पीरियड को देखें, यही 38 दिन पहले की पोल्स देखें, तो लिबरल पार्टी इससे बुरी कंडीशन में थी। लिबरल पार्टी के जो परसेंटेज डिफरेंस था वो इससे ज़्यादा बुरा था, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में 2.5 हफ्तों में इन्होंने सर्च किया और उस डिफरेंस को कम करके कन्वर्ट किया अपनी विक्ट्री के बीच में। तो ये तकरीबन आखिरी हफ्ते में जाके या आखिरी 10 दिनों में जाके आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या होता है। लेकिन यू आर राइट कि अगर कल इलेक्शन होते हैं तो यस, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक किस्म की डिफीट इनको हो सकती है। और दुख उसमें मुझे ये होगा कि पहली दफ़ा हमारे इतने पाकिस्तानी बच्चे आए हैं और कहीं वो इसी में रगड़े ना जाए। नहीं नहीं, वो देखें जी ये हवा जो चलती है ना जी, देखें आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो थे वो तीसरे पायदान पे थे एक टाइम पे, और करते करते उन्होंने आखिरी 2-3 हफ्तों में अपना क्लाइम किया और मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो लेके चले गए। लेकिन मैं डग फोर्ड की जो बात कर रहा हूँ, डग फोर्ड का बाज़ ऐसे लीडर हैं जिनको आम लोग नहीं जानते। ये वो ये नेम रिकग्निशन बहुत बड़ी है इनकी। ये बड़ी बहुत बड़ा नाम है ये नेम रिकग्निशन। अगर जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी जो लेगेसी है अपने पेरी ट्रूडो की, उसी वजह से उनको लोग जानते हैं। जी जी जी, और बाद लोग उनकी कारकर्दगी को नहीं, ये पेरी ट्रूडो को वोट दे रहे हैं। जी जी समझे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ डग फोर्ड की एक अपनी एक है। तो बहरहाल देखें अब क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कल इलेक्शन अगर हो जाए तो मेजॉरिटी जो है ये कंजर्वेटिव बहुत इजीली। लेकिन हो सकता है कि जब इलेक्शन हो तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। बाकी हमारे पाकिस्तान के जो जो पाकिस्तानी जो खड़े हैं इलेक्शन में, मियां इमरान साहब हैं या, तो आप उनकी सिचुएशन क्या देख रहे हैं जहाँ पे लोगों में? सर देखिए, सवाए शफी कादरी के जिसका कि नेम रिकग्निशन अपनी राइडिंग में है, और मैं ये राइडिंग में नेम रिकग्निशन ये नहीं मैं कह रहा सिर्फ मुसलमानों में, इट हैज़ टू बी 1 लाख। फॉर एग्जांपल मिसिसागा सेंटर में 1,24,000 वोटर है, पॉपुलेशन उसकी 1,24,000 है, उसके बीच में 15.4% जो है वो मुसलमान वोटर है, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं मुसलमान। अब ये तकरीबन ट्रांसलेट आप इसको करें तो 21,000 बनता है। अब इस 21,000 को आप अगर 50% भी ये कह दें कि जी ये पाकिस्तानी होंगे इसमें मुसलमानों में, तो ये 10,000 वोटर बनता है। 10,000 वोटर में अगर 30-32% आए वोट देने के, जो कि एक है, तो ये 3200 के करीब 3300 के करीब मुसलमान होंगे। तो अब आप 3300-3200 वोटों के ऊपर, जबकि हवा भी आपके खिलाफ हो, इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अभी शफीक कादरी साहब की बात हुई तो शफीक कादरी साहब के मुकाबले में डग फोर्ड की वही सीट है शायद। वही देखिए अब क्या होता है। बहरहाल टाइम ख़त्म हो गया है राठी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, फिर इंशाल्लाह बातचीत होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगर हमसे प्रोग्राम में कोई कोताही कोई गुस्ताखी हो गई है तो माफ़ी के खासगार हैं। आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ लियाकत नवाज़ मलिक आज का तबसरा में इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा आइंदाबाद।